चैनल मीरा गुप्ता इंडियन रेसिपीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्रिस्पी ब्रेड पोटैटो रोल्स बनाएंगे। ब्रेड रोल खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। यह बन भी बड़ी आसानी से जाते हैं। इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी डालकर स्कूल भेज सकते हैं। इसकी सामग्री इस प्रकार है। व्हाइट ब्रेड 5 पीस, उबले आलू 2 ग्रेट करे हुए, उबली मटर 1/2 कप, धनिया 1/4 कप बारीक कटा हुआ, हींग 1 पिंच, नमक 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई, अदरक लहसुन 1 टीस्पून ग्रेट करा हुआ, कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। तलने के लिए रिफाइंड ऑयल। अब आलू की स्टफिंग बनाएंगे। पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, हींग डालेंगे, इसे भून लेंगे। हल्का सा भूनने के बाद इसमें मटर डालेंगे। मटर को उबलिए, थोड़ी देर भूनेंगे, ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे। अब इसको मैश कर लेंगे। अब इसमें आलू डालेंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, अमचूर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे, मिलाने के बाद गैस को बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद में ब्रेड रोल बनाएंगे। अब ब्रेड के किनारे काटेंगे। ब्रेड के किनारे कट चुके हैं। अब कॉर्नफ्लोर का घोल बनाएंगे। कॉर्नफ्लोर डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे और पानी डालकर घोल लेंगे। इस तरह से 1/4 कप पानी डाल के घोल लेंगे। पतला घोल स्टफिंग में से इस तरह से रोल बना लेंगे। स्टफिंग रोल बन चुके हैं। अब ब्रेड को भिंगोएंगे। ये घोल जो बनाया है इसको मिक्स कर लेंगे। उसमें हल्की सी ब्रेड को घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं डूबना। इसका पानी इस तरह से निकाल देंगे। रोल को रखेंगे और चारों ओर से इसे दबा देंगे। इस तरह से चारों ओर दबाते हुए रोल बना लेंगे। प्लेट पर रखते जाएंगे। इस तरह से घोल बनाने से तेल ज़्यादा नहीं सुखंत होता है। इस तरह से घोल में भी होएंगे, इसका पानी निकाल देंगे। एक बॉल्स रखेंगे, इस तरह से चारों ओर से दबा देंगे। इस तरह से दबाते हुए इस तरह से रोल बना लेंगे। इस तरह से सारे बना लेंगे। ब्रेड रोल बन चुके हैं। अब रिफाइंड ऑयल में तलेंगे। तेल गरम करने रख दिया है, मीडियम गरम होने पर तलेंगे। इस तरह से देखेंगे तेल गरम हो चुका है। अब इसमें रोल डालेंगे। थोड़ा सीखने के बाद इन्हें घुमाएंगे। अब थोड़ा सीख चुका है, इसे पलट देंगे।
गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं करनी। गोल्डन ब्राउन सीख चुके हैं, अभी इन्हें निकाल लेंगे। तो बाकियों को भी इसी तरह से सेक लेंगे। हल्के ब्राउन सी चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेंगे। स्वादिष्ट गर्मा गर्म क्रिस्पी ब्रेड रोल बनकर तैयार है। इन्हें टमाटर सॉस, हरे धनिया की चटनी के साथ बनाइए, खिलाइए और खाइए। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एंड स्क्रीन में हमारे चैनल के तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट दिखाई गई है। इन वीडियोस को देखकर रेसिपीज बनाने का लाभ उठाएं और अपना अनुभव हमारे चैनल के साथ शेयर करें।